झारखंड में एक बार फिर से नियोजन नीति का विरोध शुरू हो चुका है। एक बार फिर से 3 चरणों में छात्र महाआंदोलन करने की तैयारी में है। इस बार का महाआंदोलन 72 घंटों का नहीं होगा, बल्कि ये पूरे महीने भर का कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम है और किस तरह से 3 अलग अलग चरणों में छात्र यह आंदोलन करेंगे, इस बार की रणनीति क्या है आप लोगों की? जी, इस बार का आंदोलन हम लोग का बृहद है और बृहद आंदोलन करना हमारा मजबूरी है, क्योंकि जब हम लोग आंदोलन का शुरुआत किए थे तो हम लोग से शुरुआत किए थे, चौक से शुरुआत किए थे, चौक से 17 तारीख को नहीं हमारा मांग पूरा किया गया, कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो न चाहते हुए मजबूरन हमें 72 घंटा का आंदोलन करना पड़ा 17, 18, 19 अप्रैल को। जो पहला चरण जो होगा वो 15 दिवसीय होगा, जो 15 दिवसीय 10 मई से 26 मई तक, तो 10 मई से 26 मई तक हम लोग 81 माननीय विधायक और 14 माननीय सांसदों को समर्थन पत्र प्राप्त अभियान चलाएंगे 15 दिन तक, और हर विधानसभा के स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय विधायकों से समर्थन प्राप्त करेंगे, और जो भी विधायकगण सांसदगण हमें समर्थन देंगे उसका सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से कोटि कोटि धन्यवाद प्रस्तुत किया जाएगा, और जो विधायक सांसद यहाँ के लोगों के वोट से बने हैं और जो यहाँ की जनभावना के जो आंदोलन है इसको समर्थन नहीं देंगे उसका भी हम लोग सार्वजनिक तौर पर हम लोगों तक पहुँचाने की बात करेंगे। वोट दे के गए हैं, हमारा आवाज़ बनना उसका कर्तव्य है, जिम्मेवारी है, अगर वो अपना कर्तव्य निभाते हैं तो धन्यवाद रहेगा, और नहीं निभाएंगे तो उसके लिए हम लोग विरोध तो नहीं करेंगे लेकिन सच्चाई जनता तक बताने का काम करेंगे। ये तौर पर भी हमारी मांग नहीं आएगी तो हमारा अगला जो चरण होगा 10 दिवसीय चरण 26 मई से 6 जून होगा। यह आंदोलन बहुत ही अलग स्वरूप का होगा, यह आंदोलन आज तक नहीं दिखा होगा, झारखंड अलग आंदोलन में भी नहीं और झारखंड बनने के बाद तो ऐसा आंदोलन हुआ ही नहीं होगा। जो पारंपरिक आंदोलन जो हमारा पहले 1857 के पूर्व जो अंग्रेज बाहर से नौकरी करने वाले को बुला रहे थे, बाहर से ठेकेदारों को बुला रहे थे, जैसे अभी बुलाया जा रहा है कि अभी झारखंड राज्य के विज्ञापन पे झारखंड शब्द नहीं है, बाकी राज्य के 3rd और 4th ग्रेड में उस राज्य का निवासी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहता है लेकिन झारखंड राज्य पे नहीं है, इसीलिए बाहरियों को ठेकेदारी के लिए बुलाया जा रहा है, बाहरियों को जो है कि यहाँ नौकरी के लिए बुलाया जा रहा है। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो पारंपरिक आंदोलन होता था, जो संथाल विद्रोह, हूल विद्रोह, चुवाड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह, पहाड़ियों विद्रोह, वही नजरिया सखुआ का डाली लेके घूमेंगे और नगाड़ा बजा के घूमेंगे, और सखुआ का डाली और नगाड़ा बजना झारखंड को खतरा दर्शाता है, और अभी भी किसी का गाय बैल खोता है तो सखुआ का पत्ता और नगाड़े बजने से पूरे लोग उसको पूछने जाते हैं, भाई क्या हुआ, तो कहता है मेरा गाय बैल खो गया है, तो फिर उसका गाय बैल को खोजा जाता है, मतलब यह खतरे का संकेत है। तो जैसे ही यह जो पूरे एकजुट होंगे सखुआ पत्ता और नगाड़ों के साथ पूरे झारखंड प्रदेश के प्रखंड स्तर पर यह 10 दिन तक पूरा सखुआ का पत्ता घुमाया जाएगा, ढोल नगाड़ा बजाया जाएगा, और 3.25 करोड़ लोगों के दिल में, दिमाग में, पूरे रूह में, धड़कन में हर जगह 60-40 नहीं चलतो, हकमार नीति नहीं चलतो, बाहरी नीति नहीं चलतो, ये चीज सेट किया जाएगा। क्योंकि हम लोग तो कोई राजनीतिक प्रेरित नहीं है, हम लोग को कोई मतलब नहीं है पार्टी पॉलिटिक्स से, सरकार से भी विरोधी नहीं है, ना पक्ष के विरोधी हैं, लेकिन हम अपना बचाव तो करेंगे ना, मान लीजिए झारखंड एक परिवार की तरह है और परिवार के लोग संकट पे होंगे तो लोग को तो बचाना होगा, तो ये सभी कोई उसमें आएंगे। और उसके बाद जो हमारा तीसरा चरण होगा, जो अंतिम चरण होगा, वो 3 दिवसीय होगा, वो 9 जून से 11 जून होगा, और 9 जून को पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय के विभिन्न चौक चौराहों पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा, पूरे एकदम हुजूम पे लोग निकलेंगे, और जो है कि 10 और 11 जून 2 दिन पूरे 48 घंटा झारखंड बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा, पूरी तरह बंद रहेगा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।